ओके सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, वीडियो का टाइटल थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पिन जिसका मैं यूज़ करूँगा, सभी का लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप सिंपली वीडियो देखने के बाद जगह डाउनलोड कर लेना। तो चलिए गाइस, आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले जो है आप सभी को पिक्सार्ट से ही आप सभी को इस व्हाइट कलर के बैकग्राउंड को ओपन कर लेना है, ठीक है? पिक्सार्ट में आपको इजीली मिल जाएगा, तो आप इसको ओपन कर लेना। एंड उसके बाद आप सभी को फिर ये मॉडल लेना है, ठीक है? अपना मॉडल यहाँ पे ऐड कर लेना है। एंड अगर आप सभी को गाइस ये बैकग्राउंड नहीं मिलेगा, तो मैं आप सभी को मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप उसको डाउनलोड भी कर लेना, ठीक है? तो फिर इसके बाद आप सभी को मॉडल यहाँ पे कुछ इस टाइप से लगा लेना है। एंड उसके बाद आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को बताता हूँ। आप सभी को कुछ इस टाइप से यहाँ पे ऐड फोटो में जाना, डन कर देना है। एंड उसके बाद जाना आप सभी को ऐड फोटो में, ठीक है? ऐड फोटो में जाने के बाद आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को यहाँ से जो है आप सभी को वोल्फ के दो पीएनजी दूंगा, ठीक है? वोल्फ के दो पीएनजी, इन दोनों पीएनजी को पहले आप सभी को ये वाला पीएनजी लेना है, फर्स्ट वाला, ठीक है? तो आपको कुछ इस टाइप से आपको फुल स्क्रीन कर देना है, एंड जो आपके बैकग्राउंड में है सिंपली ऐसे ऐड हो जाएगा, ठीक है? तो आप सभी कुछ इस टाइप से आप सभी को फुल स्क्रीन कर देना है, एंड ये लग जाएगा। फिर इतना कर देने के बाद आप सभी को फिर यहाँ पे इरेजर टूल में जाकर थोड़ा सा मतलब ऊपर की तरफ जो है कुछ एरिया रह रहा है, तो मैं इसका पहले इरेज कर लेता हूँ, ठीक है? तो आपको भी आपके में भी रहेगा थोड़ा, तो आप भी इरेज कर लेना। बाकी उसके बाद आप सभी को फिर क्या करना, आगे आप सभी को यहाँ पे पहले तो कर देना भी डन, ठीक है? तो वाला वुल्फ का पीएनजी तो लग गया हमारा एकदम परफेक्टली। एंड उसके बाद आप सभी को लेना दूसरा वाला वुल्फ का पीएनजी, ठीक है? तो उसका जाएंगे दोबारा ऐड फोटो में, एंड उसके बाद ले लेंगे हम ये वाला वुल्फ का पीएनजी। एंड इसके यहाँ पे हम ऐड फोटो ऐड में कर देंगे यहाँ पे, एंड ऐड करने के बाद इसको फुल स्क्रीन कर देंगे, एंड ऑटोमेटिकली हमारे फोटो में एकदम फिक्स अच्छी तरीके से लग जाएगा, ठीक है? तो इसको इतना लगा देने के बाद आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को अब यहाँ पे कर देना है फोटो को डन, ठीक है? तो आप एक बार टैप करते हैं, यहाँ पे डन कर देते हैं। एंड उसके बाद गाइस, अब हमारे क्या काम रह जाता है इसमें, अभी तो हमें मतलब कि इसमें जाना है फिर टूल्स में, ठीक है? ओ सॉरी गाइस, टूल्स में नहीं जाना, अभी जाना है ऐड फोटो में। एंड एक लास्ट पीएनजी जो कि हमें पीएनजी चाहिए विग्नेट का, ठीक है? तो ये वाला पीएनजी जरूर लगा लेना। तो ये पीएनजी से क्या होता है कि नीचे डार्कनेस आ जाती है फोटो में ना थोड़ी सी, तो फिर ये फोटो काफ़ी अच्छी लगती है। तो देखिए गाइस, सबसे स्क्रीन में दिख रहा है। तो इतना कर देने के बाद आप सबको अब यहाँ पे कर देना डन। एंड गाइस, जो भी हमारे बैकग्राउंड पीएनजी से लग चुके हैं, अब इसमें हमने थोड़ा सा मतलब कि डोजन बन एंड कलर करेक्शन करनी है। तो उसके लिए हम जाएंगे पहले यहाँ से टूल्स में, ठीक है? तो टूल्स में जाने के बाद जाएंगे हम एडजस्ट में। एडजस्ट में जाने के बाद हम इसकी जो ब्राइटनेस उसको ऊपर की तरफ हम बढ़ा देंगे। एंड ऐसे हम जाएंगे फिर इरेज़र टूल में। इरेज़र टूल में जाने के बाद पहले तो हम इसको कर देंगे इन्वर्ट। एंड इन्वर्ट कर देने के बाद आप सबको जिस टाइप से ब्रश को सिलेक्ट करना है, एंड उसके बाद आप सबको फोटो को जूम कर लेना है, एंड कुछ इस टाइप से एक पेंट यहाँ कर देना है और एक पेंट यहाँ पे कर देना है, एंड आपको वुल्फ के ऊपर भी कर देना है थोड़ा थोड़ा पेंट, ठीक है? तो ऐसे कर देने के बाद आप सबको कुछ इस टाइप से यहाँ से अभी पहले तो कर देना डन। एंड जो इसका एक्सपोजर आप सबको ऊपर की तरफ बढ़ा देना है, ठीक है? ऊपर की तरफ बढ़ा देना है, एंड उसके बाद यहाँ पे सिंपली कर देना डन। एंड इतना कर देने के बाद आप सभी को गाइस, अब यहाँ पे फोटो कर लेना आप सभी को अपनी सेव, ठीक है? तो सेव करने के बाद अब इसमें करने के प्रिपरेशन की, जो कि हम करते हैं लाइट रूम ऐप के अंदर। तो यहाँ से चलेंगे हम बैक, एंड यहाँ पे लाइट रूम ऐप को अपने ओपन कर लेंगे। एंड गाइस, जब तक हमारा लाइट रूम ऐप ओपन हो रहा है, और यार अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक कर दो, क्योंकि यार आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है और यार वीडियो लाने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ यार एक वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और अगर आप में से कोई भी भाई मेरे चैनल पर नया है, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि यार मैं जो वीडियो डालूँ उसकी अपडेट आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए गाइस, अब हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस, यहाँ पे जो है हमारी फोटो ऐड हो चुकी है, ठीक है? तो अभी थोड़ा प्रोसेसिंग चल रहा है, एंड यहाँ पे ऐड हो चुकी है, तो अब इसको हम ओपन कर लेंगे। एंड ओपन करने के बाद आप सबको फिर क्या करना, आप सबको यहाँ पे साइड में दिख रहा होगा आपको लाइट वाला ऑप्शन, जो कि गाइस ये वाला, एंड इस पर क्लिक कर देना है। एंड उसके बाद आप सबको थोड़ा कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देना है, हाईलाइट्स को बढ़ा देना है, शेडो को बढ़ा देना है, ठीक है? एंड जो व्हाइट है इसको भी बढ़ा देना है, एंड ब्लैक है जो इसको भी बढ़ा देना है, ठीक है? तो व्हाइट को भी हम यहाँ थोड़ा बढ़ा देंगे। एंड उसके बाद जाएंगे कलर्स वाले ऑप्शन में, वाइब्रेशन है जो इसको हम बढ़ा देंगे, एंड जाएंगे मिक्स में, एंड ऑरेंज कलर सेलेक्ट करेंगे, इसके सैचुरेशन को हम माइनस कर देंगे। एंड उसके बाद गाइस, हम जाएंगे यहाँ से येलो कलर में, इसके सैचुरेशन को भी माइनस कर देंगे, ठीक है? इतना करने के बाद आप सबको जाना ब्लू कलर में, इसके सैचुरेशन को पूरा माइनस कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे थोड़ा ही करूँगा, ठीक है? इतना कर देने के बाद आप सबको फिर जाना कलर्स के नीचे वाले टूल में, फोटो की जगह क्लियरिटी आप सबको इसको बढ़ा देना है, एंड फोटो में हल्का फुल्का विग्नेट डाल देना है, चाहो तो डाल सकते हो या फिर आप स्किप भी कर सकते हो। फिर उसके बाद ग्रेन अमाउंट को बढ़ा देना है, एंड उसके बाद जाना नीचे वाले टूल में, फोटो की जो शार्पनेस इसको बढ़ा देना है, एंड जो नॉइस रिडक्शन है आप सभी को इसको भी बढ़ा देना है, एंड जो कलर नॉइस रिडक्शन है आप सभी को इसको भी बढ़ा देना है, ठीक है? तो यहाँ पे जो है हमारी फोटो का जो रिजल्ट आया वो आप सभी के सामने है। तो गाइस देखिए, सब कुछ बिफोर आफ्टर मैंने आप सभी को दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है? तो गाइस, आई होप कि यार आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और यार अगर आप में से कोई भी भाई चैनल पर ना है, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड गाइस, आप सभी के लिए यार मैंने ना एंड स्क्रीन में दो वीडियो लगा रखी है, एंड यार अगर आप लोग थोड़े से फ्री हो तो प्लीज़ यार इन दोनों में से किसी एक वीडियो पर क्लिक करके आप मेरी कोई भी एक वीडियो देख सकते हो, और दोनों ही वीडियो काफ़ी अच्छी हैं। एंड यार अगर आप चाहते हो मेरे चैनल की कोई और वीडियो देखना चाहते हो, तो यार आप मेरे चैनल के लोगों पर क्लिक करें, वहाँ जाकर आप मेरी कोई वीडियो देख सकते हो। काफ़ी ऑसम ऑसम क्रिएटिव कॉन्सेप्ट बना रखे मैंने। तो चलिए गाइस, मैं मिलता हूँ सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।